राजू वर्मा जी, संयुक्त निदेशक मतलब श्री निशांत अहमद जी और सहायक निदेशक PRDA श्रीमती मीना झा जी, और इस मौके पर सभी हमारे सम्माननीय आदरणीय हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के पत्रकार बंधुओं, सभी छायाकार बंधुओं, सोशल मीडिया के बंधुओं, आज पशु व मत्स्य संसाधन विभाग का पीसी किया जा रहा है और पशु मत्स्य संसाधन विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है, ग्रामीण स्वरोजगार के सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सुखद तो तीसरा कृषि रोड में जो लाया हम लोगों ने 17 से 22 के अंतर्गत, इस विभाग के तीनों प्रभाग के अंतर्गत अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं एवं कार्यक्रमों को सुकृत हम लोगों ने प्रदान किए हैं। सुकृत योजनाओं कार्यक्रमों को सफल क्रियान्वयन हेतु विभाग के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है ताकि राज्य में दूध, मांस, अंडा एवं मछली उत्पादन में वृद्धि कर बिहार आत्मनिर्भर हो सके। विदित हो कि राज्य की लगभग 89% आबादी प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष से इस विभाग जुड़ी हुई है। यह विभाग पशु पक्षी मत्स्य जन विभिन्न उत्पादों के द्वारा राज्य के GDP में अहम योगदान देकर राज्य में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। अतः राज्य सरकार पशुपालन गैवे व मत्स्य प्रभाग के व्यापक विकास हेतु दृढ़ संकल्पित। अभी हमारे सामने बड़ी चुनौती जो है वह है बाढ़। उत्तर बिहार के जिलों में जहाँ बाढ़ आया हुआ, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, और वहाँ पर अभी कुल मिलाकर 3,75,876 जो हमारे पशु हैं जाकर के जो प्रभावित हैं जाकर, उसमें जो शिविर हमारा है उस शिविर में 3,120 पशुओं को रखे हुए हैं और शिविर से बाहर जो हैं 3,72,756 पशु हैं जाकर। बाढ़ राहत कार्यों हेतु प्रभावित जिलों के पशु चिकित्सा पदाधिकारी कर्मियों एवं 12 एम्बुलेंट्री भवन के अलावा हम लोग दक्षिण बिहार के जिलों से एक एक एम्बुलेंट्री भवन और दो दो पशु चिकित्सक और दो दो पारा वेट तथा पशुधन सहायक पशुधन प्रवेशक दो दो कार्यालय परिचारिकाओं के साथ भेजा गया है, यानी दक्षिण बिहार की टीम को भी वहाँ भेजा गया है। इस आपदा की घड़ी में दवा क्रय मध्य में बाढ़ प्रभावित जिलों में 1,58,30,900 की राशि का आवंटन निर्गत किया गया है। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान पटना से भी 7 वरीय वैज्ञानिकों का विभाग 10 क्षेत्रों में भेजा गया है। पशु चारा भी वितरण कर रहे हैं और कुल अभी तक हम लोगों ने 311 क्विंटल, तो दरभंगा में हमारा 110 क्विंटल है, मधुबनी में 76.9 क्विंटल है, मुजफ्फरपुर में 54.1 क्विंटल है, सुपौल में 10 है, शिवहर में 15 है, सीतामढ़ी में 45 है, और जहाँ जहाँ चारा की ज़रूरत है तो सभी जिलों में हम लोगों ने चारे का प्रबंध भी किया जा करके। उसके अलावा अभी जो मैं देख रहा हूँ कि बाढ़ का सभी जिलों में 3-3 लाख रुपये की राशि चारा क्रय चारा के लिए 3-3 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई है, और अभी पशुओं का जो मतलब चिकित्सा जो हो रहा है शिविर में, उसमें हम देख रहे हैं कि शिविर से बाहर जो लोग हैं शिविर में 16,881 और शिविर से बाहर हैं 55,728, और सुखाड़ जो जिले हमारे जहाँ पर हैं जाकर तो सूखाग्रस्त घोषित क्षेत्रों के जहाँ पर संभावना बन रहा है, जहाँ पर देख रहे हैं वर्षा नहीं हो रही है, वहाँ भी पशु चिकित्सालयों में आवश्यक दवाएँ उपलब्ध हैं, कहीं से पशुओं के चारे की कमी प्रतीत नहीं की गई है। सभी जिलों को 25,000 रुपये का राशि आवंटन किया गया है। राज्य के 16 का प्रभावित संभावना बन रहा है, वहाँ पर हम लोगों ने 220 कैटल ट्रफ मवेशी के लिए नाद का लोक स्वास्थ्य विभाग किया गया है ताकि पशुओं को आसानी से पीने का पानी उपलब्ध हो जाए।